हीरो हीरो क्या अजय देवगन करेंगे शाइन? क्या बॉलीवुड के आगे फीका पड़ेगा टॉलीवुड? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। हर एक्टर का एक अलग तरीका होता है किसी किरदार में घुसने के लिए। जहां एक तरफ आमिर खान मेथड एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, और ये बात आप भी जानते हैं कि आमिर खान साल में सिर्फ एक ही फिल्म करते हैं और वो उस फिल्म में अपने एक्टिंग टैलेंट को दिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर रणवीर सिंह अपने किरदारों में जरूरत से ज्यादा घुसने के लिए भी फेमस है। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन फिल्म इंडस्ट्री में अपने शानदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। एक्टर हर तरह के रोल्स बड़े आराम से कर लेते हैं और यही वजह है कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। चाहे रोमांस हो या फिर एक्शन, चाहे कॉमेडी, अजय देवगन हर किरदार में शानदार नजर आते हैं। एक्टर को इंडस्ट्री में 30 साल हो चुके हैं और अभी भी वो लीड रोल के लिए डायरेक्टर्स की पहली पसंद रहते हैं, और अब लगता है कि वो अपकमिंग फिल्म में टॉलीवुड के एक्टर्स को कॉम्पिटिशन देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रिपल आर की। ट्रिपल आर एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को SS राजामौली ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की कास्ट में NT रामाराव जूनियर, रामचरण, आलिया भट्ट और ओलिविया मॉरिस शामिल हैं। ये भारत के स्वतंत्र सेनानियों अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम के बारे में एक फिक्शनल कहानी है, जिन्होंने ब्रिटिश राज और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ट्रिपल आर में अजय देवगन एक कैमियो में दिखने वाले हैं, लेकिन उनके एक्टिंग मेथड के आगे तो शायद रामचरण और जूनियर NTR फेल हो जाएं। फिल्म तानाजी में अजय देवगन ने अपने किरदार को निभाकर इतिहास रच दिया था, और अब लगता है कि कुछ ऐसा फिर से होने वाला है। अब फैंस उनके किरदार को कितना पसंद करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। ट्रिपल आर फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया है और इस फिल्म के लिए अभी से ही लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट है और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।